हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर जो युवा तैयारी कर रहे हैं हरियाणा पुलिस भर्ती की, तो दोस्तों उनके लिए एग्ज़ाम डेट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लाखों युवा परेशान हैं कि सर इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट के बारे में बताने वाला हूँ। आपको पता होगा हरियाणा HSSC ने कुछ एग्ज़ाम डेट घोषित की थी और एक एग्ज़ाम भी करा चुकी है जो कि वो हरियाणा JEE का है, ठीक। उसकी आंसर की भी आ चुकी है और HSSC क्लर्क का एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया है जो कि 21 सितंबर 22 सितंबर 23 सितंबर तक एग्ज़ाम होगा। तो उसके बाद यहां पर अब सवाल बनता है कि हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों इसी पर मैं आप सभी लोगों को बात करने वाला हूँ, एकदम पूरी एकदम बात सही होगी, अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन होगा उसको भी दबा दो ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक मेरा और छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप तो वीडियो तो देख देते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको HSSC कांस्टेबल टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम डेट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट जो यहाँ पर मैंने डेट्स लिखी हैं, आपको पता होगा HSSC ने बताया था कि जो एग्ज़ाम डेट हैं, जो एग्ज़ाम हैं होंगे HSSC के, वो सितंबर और अक्टूबर में इनकी परीक्षा कराई जाएंगी। तो काफ़ी पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं और काफ़ी वैकेंसी हैं, 6-7 वैकेंसी निकाली गई हैं जिनमें से एक का एग्ज़ाम हो चुका है हरियाणा JEE का, उसके बाद HSSC क्लर्क का होगा। अब बात आती है हरियाणा पुलिस की, काफ़ी फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं जो कि यहाँ पर क्लर्क भर्ती परीक्षा के फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है, तो आपको पता होगा HSSC जो भी है जो एग्ज़ाम की डेट 15 दिन पहले घोषित करती है, वैसा ही हुआ है क्लर्क भर्ती का 15 दिन पहले नोटिस आई ऑफिशियल नोटिस और 15 दिन पहले JEE का। अब बात आती है हरियाणा पुलिस की, उसकी अगर नोटिफिकेशन एग्ज़ाम आपका होगा अगर सितंबर के पहले हफ्ते में, तो आपको यहाँ पर नोटिस देखने को मिल जाएगी शाम तक या कल सुबह तक, ठीक है। तो आज 10 तारीख हो चुकी है, वैसे तो अगर नहीं होगा अभी तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा इसका एग्ज़ाम, तो आपको 4 से 5 दिन को बाद यहाँ पर मिल जाने वाली है नोटिस, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आपका 50-50 चांस है एग्ज़ाम होने का, ठीक है, 50-50, अगर आपकी कोई नोटिस अभी नहीं आई तो समझ लेना आपका एग्ज़ाम यहाँ पर मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, चुनाव बाद हो सकता है। और एक बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि जो आपका एग्ज़ाम है यहाँ पर ज़्यादा चांस है अक्टूबर, ठीक है, लास्ट अक्टूबर, क्योंकि आगे चुनाव भी है। सरकार ये सोच रही है कि एग्ज़ाम अभी करा लिया जाए, ठीक है, और बाद तक जो फिजिकल है इसमें काफ़ी चरणों से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी समय हो जाएगा, तो इसलिए पहले आपको एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, आपको मैं बताने वाला था। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चैनल को लाइक तो कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख लेते वीडियो। धन्यवाद।